अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं खड़ी हूँ अपने घर में पौधों के पास। ये मैंने अभी एक लीमू तोड़ा है, साथ में ये मौसम्बी का पौधा लगा हुआ है। ये भी मैं एक मौसम्बी इसमें से तोड़ूँगी क्योंकि आज मैं इसी से एक ज़बरदस्त सा जूस बना रही हूँ। क्योंकि आजकल सिट्रस फ्रूट्स का मौसम है तो मैं इसी हिसाब से आज ये जूस बनाने लगी हूँ। और आप ही ये जूस का तरीका जो है ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत ही अलग और मुनफरद किस्म का ये जूस है। और स्पेशली जिन लोगों में विटामिन सी की कमी है उनके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेंस हैं उनके लिए तो इसलिए मैंने अपने घर में ऐसे ही ये तोड़े हैं। बाकी मेरे पास और भी कुछ फ्रूट्स पड़े हैं तो वो मैं आपको दिखाती हूँ वो कौन कौन से हैं। ये हैं जी मेरे पास कुछ फ्रूट्स। ये मैंने एक माल्टा लिया है, एक ये सेब है। सेब आपने पका हुआ सेब नहीं लेना, ये वाला कच्चा सेब लेना है। और ये जो भी मैंने एक मौसम्बी तोड़ा है अपने घर से, और ये एक लीमू। अब मैं इनका जूस बनाने लगी हूँ बहुत मुनफरद तरीके से। आपने बहुत जूस बनाने के तरीके देखे होंगे, बनाया भी होगा, लेकिन ये सबसे अलग तरीका, ऐसा तरीका आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ये फ्रूट्स को मैंने धो लिया है, सेब भी नींबू भी और माल्टे भी दोनों तरह के। अब फिलहाल मौसम्बी और सेब को साइड पे काट देंगे। और ये ऑरेंज का छिलका जो है वो आपने कद्दूकश कर लेना है। ये हमने इस तरह से कर ली है। अब हम लीमू को भी इसी तरह कर लेंगे। अब माल्टे का छिलका उतार लेंगे। इस तरह नींबू का छिलका भी उतार लेना है। आप मौसम्बी का छिलका भी उतार लेना है। अब इस तरह से काट के इनके पीस बना लेंगे। ये हमने माल्टे और नींबू काट लिया और उनका जो छिलका हमने उतारा था ना थोड़ा सा कद्दूकश करके, वो भी इसी में रहने देना है। अब सेब काट लेंगे। अब ये फ्रूट हमारा सारा कट गया है। अब इस सारे फ्रूट को ब्लेंडर में डाल देंगे।
अब इसमें डालेंगे ये 2 बड़े चम्मच चीनी के। अब इसमें डालेंगे हम तकरीबन 2 गिलास पानी। और अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। ये हमारा अच्छे से ब्लेंड हो गया है, अब हम इसको छान लेंगे। अब जी मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें हम इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। जूस मैंने स्ट्रेन कर लिया है, अब इसको इस बोतल में भर देंगे। ये देखिए जी हमारा माल्टे और सेब का जूस तैयार है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये जूस कैसा लगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये जूस कैसा लगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।